वेलकम बैक माय चैनल बिलीव इन थेरेपी। आई एम नेहा एंड टुडे इज डिस्कसिंग टू द अबनॉर्मल गेट। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अबनॉर्मल गेट डिस्कस करेंगे, जो कि आप जब भी आप क्लिनिक पे या विजिट पे जाते हैं तो आपको जो पेशेंट देखने को मिलेंगे तो फर्स्टली आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो ऑब्जर्व जब पेशेंट को करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा इस पेशेंट का गेट पैटर्न क्या है। तो इसलिए आपको एबनॉर्मल गेट पता होना चाहिए, जिससे कि आप पता कर सकें ये जो पेशेंट है इसको किस टाइप की प्रॉब्लम है, या अटेक्शिया है, पार्किंसन का पेशेंट है, या किस टाइप की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इस पेशेंट को, जो कि आप ऑनली ऑब्जर्व करके ही पता कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको एग्जामिन करना है, जिससे कि आप डायग्नोज कर सकें कि यस इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो नाउ स्टार्ट टू फर्स्ट एबनॉर्मल गेट। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं सर्कमडक्टरी गेट और स्पास्टिक गेट, और अनदर नेम इज हेमिप्लेजिक गेट। तो ये मोस्टली हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, जो पेशेंट होता है उसके जो लेग की लेंथ होती है, एपरेंट लेंथ होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, या हमारे जो फ्लेक्शन हिप्स और इनका फ्लेक्शन मूवमेंट्स होता है, जो अफेक्टेड ज्वाइंट होता है, तो आप वहाँ देख सकते हो कि जो मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो हिप ज्वाइंट होता है वो फ्लेक्स कर जाता है, हमारा अबडक्टेड हो जाता है, और एक्सटर्नली रोटेशन होता है, तो स्विंग मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है ग्राउंड पर, तो आप देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जो गेट है उसे बोलते हैं सीजर गेट। तो जो हमारा सीजर गेट होता है, मोस्ट जिसके नेम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो, सीजरिंग क्लैग का स्ट्रक्चर मीन्स इसमें हमारे जो लेग होते हैं वो क्रॉस लेग हो जाते हैं। तो क्रॉस लेग जो हमारे हिप ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट होता है, वो क्रॉस कर जाता है सीजरिंग लेग, और इसका जो मूवमेंट होता है बहुत स्टेप जो होते हैं वो स्लो और स्मॉल होते हैं। मोस्टली हमें जो देखने को मिलता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है इस टाइप का गेट। तो आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं ये किस टाइप का पेशेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास गेट है उसे बोलते हैं इंटाल्जिक गेट। इंटाल्जिक गेट में क्या होता है कि ये पेनफुल गेट होता है, मीन्स पर्सन अपना वेट जो होता है अफेक्टेड लेग पे ट्रांसफ़र नहीं करता है पेन होने की वजह से, वो ओनली टो पे वेट ट्रांसफ़र करके और वहाँ से वेट को शिफ्ट कर देता है नॉर्मल लेग पे। तो ये अवॉइड करता है स्टैपिंग और प्रेशर ऑन द अफेक्टेड लेग। सो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक लिम्प लाइक, जैसे कि बोलते हैं कि लंगड़ा के चलना, लिम्प लाइक मूवमेंट्स होता है, जिसे हम इंटाल्जिक गेट बोलते हैं। ये पेनफुल होता है। ओके, तो इसलिए ऐसा पेशेंट चलता है। नेक्स्ट हमारा जो गेट पैटर्न है अबनॉर्मल गेट का, उसे हम बोलते हैं स्टेपेज गेट, जो कि इसमें पेशेंट होता है वो हाई स्टेप मूवमेंट्स करता है। नॉर्मल से थोड़ा सा हाई स्टेप रहते हैं, स्लो मूवमेंट्स होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने हिप जॉइंट को थोड़ा सा एलिवेट करता है और फिर उसके बाद लेग को लिफ्ट करता है ग्राउंड पे, जिससे कि एक साउंड भी क्रिएट होता है। तो जो स्टेपेज गेट के पेशेंट होते हैं वहाँ पे उन्हें मूवमेंट्स करने में साउंड आपको सुनाई देगा, तो आप समझ सकते हो मोस्टली इस स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सफलिंग गेट। तो जो सफलिंग गेट होता है मोस्टली हमें जो देखने को मिलेगा ये पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है, इसे हम प्रोपल्सिव गेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है अपने जो हिप जॉइंट को स्टूप करके चलता है, हेड और नेक को बेंड करके चलता है फॉरवर्ड, और ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट मूवमेंट्स करता है, फास्ट मूवमेंट्स करता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसे हम हैंड टू नी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट अपने हैंड को उसकी कॉर्डिसेप्स मसल्स की वीकनेस की वजह से, वो पेशेंट होता है अपने पूरा सपोर्ट देता है अपने अबव टू द नी जॉइंट पे, वहाँ सपोर्ट लेके चलता है, क्योंकि वहाँ के कॉर्डिसेप्स मसल्स का जो फंक्शन होता है वो एक्सटेंशन करना लेग का, तो यहाँ पे लेग एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ पे हैंड टू नी सपोर्ट से चलता है पेशेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा गेट पैटर्न है वो अटैक्सिक गेट पैटर्न है। अटैक्सिक गेट पैटर्न जो होता है उसमें पेशेंट जो होता है वो एक ऐसा सीजरिंग टाइप का मूवमेंट्स करता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स इसे बोलते हैं कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या हमारी मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ये मोस्टली हमें सीपी के और अटेक्शिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो गेट पैटर्न है उसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस गेट पैटर्न। तो ग्लूटियस मैक्सिमस गेट पैटर्न में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है ग्लूटियस मैक्सिमस वो वीक हो जाती है, इसमें हमारा जो हिप जॉइंट होता है वो एक्सटेंशन करता है। तो ये पेशेंट जो होता है थॉरेक्स को अपने थ्रस्ट को मीन्स पोस्टियरली और मेंटेन करता है हिप एक्सटेंशन को, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बैकवर्ड लीन हो रहा है ट्रंक हमारा, तो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का मूवमेंट्स हमें मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन
सो नेक्स्ट जो हमारे गेट पैटर्न है उसे हम ट्रेडलैंड बर्ग गेट पैटर्न बोलते हैं या इसे हम लर्चिंग गेट पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्लूटिस मीडियस की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, या हिप ज्वाइंट का कंसनाइटल डिसलोकेशन हुआ होता है हिप ज्वाइंट का, तो उस टाइम भी इस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो ट्रंक को वन साइड शिफ्टेड करके चलता है, जिस साइड अफेक्टेड होता है उस साइड वो शिफ्ट करके चलता है, वन साइड टिल्ट होके चलता है। तो ये मोस्टली हमें पैरालिसिस या वीकनेस ऑफ ग्लूटिस मसल्स की वजह से इस टाइप के पेशेंट का मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट्स है उसे हम बोलते हैं बैडिंग्स मूवमेंट्स। बैडलिंग मूवमेंट्स में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके जो हिप गर्डल की मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस होने की वजह से, तो पेशेंट जो होता है उसकी अपर बॉडी का एग्जैग्रेट मूवमेंट्स होने लगता है। जो पेशेंट है वो एक टाइप से डक लाइक वॉक करता है, जो डक मूवमेंट्स करते हैं, डक चलती है उस टाइप से पेशेंट वॉक करता है, यहाँ पे मसल्स की एट्रोपी होने की वजह से या डिसलोकेशन होने की वजह से हिप जॉइंट का, तो ये टाइप का मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो मोस्टली यहाँ पे अबडक्टर मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं और ये हमें पोलियोमेलाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है इस टाइप का गेट पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट है उसे बोलते हैं हिस्टेरिकल गेट पैटर्न, हिस्टेरिकल या साइकोजेनिक गेट पैटर्न। तो इसमें हमें जो देखने को मिलता है मोस्टली ये जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, तो उनमें इस टाइप का गेट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मीन्स इसमें जो पेशेंट होता है वो एक मीन्स स्ट्रेट लाइन में वॉक करने में अनेबल होता है विदाउट किसी असिस्टेंस के। तो ये जो मीन्स साइकोलॉजिकली पेशेंट है तो इन्हें एक हेल्प की ज़रूरत होती है और ये पेशेंट एक हाफ सर्कल बना के चलते हैं क्योंकि इनका जो स्टेप होता है वो हाफ होता है। तो आई होप समझ गए। गेट बोलते हैं जो कि आप जब भी क्लिनिक पे या कहीं विजिट पे या हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको ये सारे पैटर्न के जो एबनॉर्मल गेट के पैटर्न जो होते हैं उस टाइप के पेशेंट आपको मिलेंगे। तो आपको सबसे फर्स्टली आपको ऑब्जर्व करना है, जब भी आपके पास पेशेंट चल के आ रहा है तो वहाँ पे आपको उस पेशेंट से बात नहीं करनी है, ऑनली उसे ऑब्जर्व करना है किस टाइप का उसका गेट पैटर्न है, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और पेशेंट के बताने से पहले ही आप उसके क्लिनिकल जो जो फीचर्स थे वो आप बता सके, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पेशेंट को भी आप पे बिलीव होगा कि हाँ यस जो कि हमें प्रॉब्लम है ये हमारी प्रॉब्लम को ये डॉक्टर्स अच्छे से समझ रहे हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है फर्स्टली, उसके बाद ही एग्जामिन करना है पेशेंट को। सो आई होप आप सारे गेट समझ गए होंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।